नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए अब अप्रैल का भी करंट अफेयर्स जो भी है कवर कर लेते हैं थ्रू इनसाइट सिक्योर क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपका बेसिकली आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और जो हम लोग का नॉर्मल तरीका है करने का मैं उसी तरह पढ़ाऊँगी। पहले सुनेंगे और फिर समझेंगे, मैं समझाऊँगी। तो अप्रैल में जो टॉपिक है वो जो करंट मतलब कि कल्चर रिलेटेड है वो आपका होगा अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर तो हिस्ट्री में है, तो चलिए देखते हैं कि कल्चर में कौन कौन है। कल्चर में आपके होंगे, रुकिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर लूँ। तो कल्चर में हम लोग का है, पहले तो है मुगल रूल। ठीक है, उसके बाद मुगल रूल रिलेटेड है, और उसके बाद बुद्धिज़्म का है, और फिर गुप्ता के लिटरेचर और साइंस के बारे में है, और एक ये जुडिशल फेडरलिज्म तो GS2 में आएगा लेकिन कल्चर में इन लोगों ने डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मुगल रूल रिलेटेड। ठीक है, तो मुगल रूल के समय तो क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन है कि रिव्यू करना है जो दो मेजर इंटरवेंशन, मतलब कि जो पहला इंटरवेंशन है वो मुगल रूल का है, और दूसरा यूरोपियन रूल का जो कि इंडियन आर्ट पे पड़ा। ठीक है, तो हम लोग को समझना होगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि ये योजना के जनवरी 2021 का है। ठीक है, द क्वेश्चन इज फ्रॉम योजना एडिशन यान 2021। Key demand of the question: one must discuss the impact of two major interventions, the Mughal rule 13th century onwards and the European rule 18th century onwards, on Indian art and culture. Directive: explain, clarify the topic by giving a detailed account as to how and why it occurred, or what is the particular context. You must be defining key terms wherever appropriate and substantiate. मतलब कि देखो, एक तो मतलब कि आपको बताना है और दूसरा examples भी देना है टू सब्सटेंशिएट योर क्लेम। ठीक है, तो मेन यहाँ पे है ब्रीफली रिव्यू, तो आपको बस बताना है कि कैसा था, क्या था, उस साथ में एग्जांपल्स भी देना है। इट विद रिलेवेंट एसोसिएटेड फैक्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, इंट्रोडक्शन, स्टार्ट विद सम इंट्रोडक्शन अबाउट द रिचनेस ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द कंट्री फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, बॉडी, एक्सप्लेन दैट द स्पिरिट ऑफ इंडिया इज ऑल अबाउट द वैल्यूज ऑफ इंक्लूसिवनेस, ब्यूटी, एस्थेटिक्स, purity of intention, attention to detail, discipline, focus, the pursuit of perfection, willingness to connect with one's higher self, openness, excellence, and plurality. Indian philosophy values beauty and aesthetic experiences and this info. Basically, जो इसमें कह रहा है कि जो basic हम लोग का जो culture है, ठीक है, culture का जो basic elements है वो क्या क्या है, तो inclusiveness है, ब्यूटी है, दूसरा तीसरा एस्थेटिक्स है, चौथा प्योरिटी ऑफ अटेंशन है, पांचवा है कि हम लोग डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, डिसिप्लिन, फोर्स, परसूट ऑफ परफेक्शन, ये सब हमारे आर्ट, कल्चर और फिलोसफी तीनों का पार्ट है। ठीक है, तो देखा गया है कि दो मेजर इंटरवेंशन हुए हैं, मतलब इंडियन आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट से देखा जाए तो, एक तो जब मुगल पहुँचे थे उसका असर पड़ा हमारे कल्चर में, और दूसरा जब यूरोपियन रूल पहुँचा। ठीक है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर एट एवरी स्टेज अकाउंट फॉर द इंपैक्ट ऑफ टू मेजर इंटरवेंशंस, द मुगल रूल 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स एंड द यूरोपियन रूल 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। कंक्लूजन, कंक्लूड विद इंपॉर्टेंस। इंट्रोडक्शन, इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर सिंस द ओल्ड स्टोन एज, हरप्पन सिविलाइजेशन टू द प्रेजेंट टाइम्स। India's art and culture is a synthesis of centuries of wisdom and freedom of expression. Many different cultural ameliorations can be seen in the Indian art and culture. मतलब कि हम लोग का जो art and culture है, ठीक है, वो it's not been a static, मतलब अलग अलग rulers आए, उनका असर हुआ, foreign rulers आए, उनका impact पड़ा, तो it's not static, okay? Body. The Mughal period witnessed a significant and widespread development in cultural activity. It was manifest in the sphere of art and architecture, painting,
म्यूजिक एंड लिटरेचर. इन दिस कल्चरल डेवलपमेंट इंडियन ट्रेडिशंस वर ब्लेंडेड विद टर्को-आयरेनियन कल्चर व्हिच वाज ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द मुगल्स. मेजर इम्पैक्ट जो पड़ा मुगल के आने का वो था कि टर्को और इरानियन कल्चर का सिंथेसिस, ये एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा. इम्पैक्ट ऑफ मुगल रूल ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर. वन, द मुगल्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया सच एज द रबाब, कमांज, एकता, दूता, सेता व्हिच वी नो एज सितार टुडे टू. द आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल्स इंक्लूड्स द मैग्निफिसेंट. मतलब कि पहला तो जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वो लोग लाए, जैसे कि रबाब हो गया, कमचे हो गए, एक तार, दू तार, सेतार. सेतार मतलब कि सितार हो गया जो चेंज होके, ठीक है. और दूसरा कि अलग अलग फोर्ट्स, पैलेस, बिल्डिंग्स, ये सब भी तो बनाया मुगल ने, तो उसका भी असर पड़ा, ठीक है. अब नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है वो पड़ता है फोर्ट्स, पैलेसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स. The Mughals were fond of laying gardens with running water. Some of the Mughal gardens, such as the Nishat Bagh in Kashmir, the Shalimar Bagh at Lahore, and the Pinjore Garden in the Punjab, have survived even today. For large-scale construction of buildings started with the advent of Akbar. He built many forts, and the most famous one was the Agra Fort 5. Akbar also built a palace-cum-fort complex at Fatehpur Sikri, city of Victory, 36 kilometers from Agra. 6. Taj Mahal is considered a jewel of the builder's art. It contains all the architectural for. देखो आर्किटेक्चर वाइज देखा जाए तो मुगल ने गार्डन्स बहुत अच्छा बनाया, वो चाहे शालीमार बाग हो लाहौर का या पिंजौर गार्डन हो पंजाब का, ठीक है. और बहुत सारे फोर्ट्स भी बनाया स्पेशली अकबर के समय से, जैसे कि आगरा फोर्ट हो गया, फिर फतेहपुर सिकरी हो गया, ताजमहल फिर बना शाहजहाँ के टाइम पे, फिर जो म्यूज़िक था वो भी बहुत डेवलप हुआ अंडर द मुगल्स, चाहे वो तानसेन हो या फिर साथ में पेंटिंग भी डेवलप हुआ, जैसे कि अब्दुल हसन, बिसान दास, मधु, अनंत, मनोहर, गोवर्धन, उस्ताद मंसूर, ठीक है. तो ये तो हो गया तो आपका मुगल का. इसके बाद आएगा यूरोपियन. Developed by the Mughals. The chief glory of the Taj is the massive dome and the four slender minarets. 7. Music had also developed under the Mughals. Akbar patronized Thanasen of Gwalior. Thanasen composed many ragas. 8. Mughal paintings reached its climax during the reign of Jahangir. He employed a number of painters like Abul Hasan, Bishan Das, Madhu, Anand, Manohar, Govardhan and Ustad Mansur. Impact of Europeans on Indian art and culture. Europeans started coming to India as traders by the end of the 15th century and eventually colonized entire South Asia by the mid-18th century. Like Mughals, who influenced Indian culture with their styles like Persian architecture and lifestyle, Europeans too have left their mark on Indian art and architecture. 1. Music. The European influx PF Portuguese, Dutch and English shifted the music out of royal courts and introduced chamber music. This is the birth of art performances in auditoriums in India too. Instruments such as violin was adapted with Carnatic music. Chaudhary is well known for this in India. 3. Architecture. Europeans introduced Gothic style seen in Victorian Memorial Hall in Kolkata. They also brought in planned city development. For example, Lutyens Delhi. तो देखिए Europeans जो हैं वो जब आए तो उन्होंने चाहे वो Portuguese हो, Dutch हो या English हो, वो हम इंडिया के म्यूज़िक, आर्किटेक्चर और आर्ट सब पे असर किया. म्यूज़िक में क्या असर किया, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया चैम्बर म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट्स लाए उन्होंने जैसे कि वायलिन हो गया. आर्किटेक्चर में देखा गया है जैसे गॉथिक स्टाइल हुआ विक्टोरियन मेमोरियल हॉल में कलकत्ता का. उसी तरह आर्ट में उन्होंने ऑयल पेंटिंग लाया, जैसे कि भारत माता हो गया रवि वर्मा का. तो ओवरऑल देखा जाए तो उसका असर हुआ और हमारे आर्ट और कल्चर और ज़्यादा इनरिच हुआ, चाहे वो ब्यूटी हो, एस्थेटिक्स हो, और इंक्लूसिवनेस दिखा, डिसिप्लिन, अटेंशन, ये सब वर्ड्स आपको यूज़ करना पड़ेगा अपने आंसर में, ठीक है. तो बेसिकली यही दो मेन ये हुआ, यूरोपियन और मुगल, ये दोनों हम लोगों ने कर लिया. अब नेक्स्ट है होगा जो होगा कोर फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. थैंक यू.